स्वागत है आप सभी का रिनीस गार्डन में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, तो आज के टॉपिक पे आने से पहले चलिए थोड़ी सी गार्डन की सैर आपको करा देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से वसंत मेरे गार्डन में आया है इन खूबसूरत फूलों के साथ आज के वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों, ये देखिए इतनी सुंदरता और इतना कलर जो है प्रकृति माँ ने हम सबको दिया है। और वसंत ऋतु तो फूलों की ऋतु है, रंगों की ऋतु है और रंगों का त्यौहार भी आने वाला है। तो चलिए इन खूबसूरत रंगों को एंजॉय करते हैं। और आज के टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर जो कलर है फूलों का निकल के आया है। लेट ही सही, लेकिन फ्लावर्स खिलने लगे हैं दोस्तों। और बहुत खुशी होती है जब ये फ्लावर्स खिलते हैं, मेहनत रंग लाती है। यूँ तो ये सब कुछ प्रकृति का ही है, प्रकृति ही इस चीज़ के लिए उत्तरदायी है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में खुशी होती है कि चलो हमने भी योगदान दिया और प्रकृति के साथ हमने भी इस चीज़ को करने की कोशिश की है। तो स्वागत है आप सभी का। आप सभी के जीवन इस तरह रंगों से भरे रहें, खुशियों के रंगों से भरे रहें दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है, आप देख रहे होंगे नीचे मैंने हैंगिंग बास्केट लगाने के लिए तैयारी की हुई है, क्योंकि ये जो समय है हैंगिंग बास्केट को लगाने का बहुत अच्छा समय है। हम जितनी चाहे हैंगिंग बास्केट्स को तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो घर के पास एक मेला लगा हुआ था और वहाँ पर जो थी बहुत अच्छी, मुझे देखिए दोस्तों 10 रुपये में ये मुझे मिली है, तो मैंने तो बहुत सारी ले ली हैं। और फ़िलहाल मैंने जो है 4 यहाँ पर तैयार की हैं और अपने घर से ही जो है प्लांट्स ले लिए हैं जो मैं इसमें लगाने वाली हूँ। तो चलिए, मैंने इसमें जो भी बनाई है बास्केट, ये वैसे भी बहुत हल्की है और मैंने इसमें जो है बहुत ही हल्का मटेरियल यूज़ किया हुआ है, अपने घर का ही सारा हल्का मटेरियल है। मूँगफली के छिलके हैं, सूखे सड़े पत्ते हैं, भूसा है, और हल्के से हल्का इनको बनाने की कोशिश की है। उसके बाद ये देखिए, ये एक विष्णु कमल का प्लांट है मेरा, तो इसमें जो है मैंने ये एप्पी के बोतलों से बनाया था, पर ये बहुत ओवरलोडेड हो गया है इसलिए थोड़ा इसको कम करूँगी। एक ये है पर्पल हार्ट, इसमें मैंने रूटिंग कर दी थी पानी में डाल के, देखिए रूटिंग्स हो गई हैं, तो इससे भी मैं एक बास्केट बनाऊँगी। यहाँ पर एक रिबन ग्रास मैं लेकर के आई हूँ निकाल के, एक इसको लगा दूँगी। बोस्टन फर्न भी यहाँ पर रखा हुआ है। और एक ये कोलियस, ये वाला कोलियस दोस्तों बास्केट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो एक ये मैं ये वाले कोलियस की भी बास्केट तैयार करूँगी। तो देखते हैं, और क्योंकि हाथ में मेरे कैमरा है तो अब मैं इसको तैयार करने के बाद ही आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये बास्केट्स कैसी लग रही हैं। और इनको लगाने के बाद हम अभी इनको जो हैंग नहीं करेंगे दोस्तों, इनको हम छाया में रख देंगे थोड़ा 7-8 दिन, अच्छे से ये अपनी जड़ वगैरह पकड़ लें। छाया में रखने के बाद मैं अब इनको आपको तैयार करती हूँ और फिर मैं आपको दोबारा से मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। तो दोस्तों, हो चारों बास्केट्स मैंने तैयार कर लिए हैं और ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी भी इनमें डाल दिया है और ये खूबसूरत बास्केट्स तैयार हो गई हैं। और इस मौसम में हम बहुत सारी हैंगिंग बास्केट्स को इसी तरह से अपने घर के ही पौधों में, तो दोस्तों ये चारों बास्केट्स मेरी मात्र 40 रुपये में तैयार हुई हैं, बहुत ही सस्ती और खूबसूरत। ये देखिए, तो आप भी आजकल अपने जो गार्डन के लिए हैंगिंग बास्केट्स तैयार कर सकते हैं। आइस फ्लावर खिलने की तैयारी में है, क्योंकि कुछ कुछ आइस फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं खिले है ना। और ये लग रही हैं स्ट्रॉबेरी दोस्तों। तो चलिए आज की बात ख़त्म करते हैं, और बहुत सारी बास्केट्स लगाइए दोस्तों, और आने वाले समय में बहुत सारे हैंगिंग प्लांटर्स तैयार कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।